इसके बेली के अंदर हमें सिंगल डेविस का बेबी इंसर्ट करना है, देन और उसके बाद जो फैकल्टी होगी वो कॉम्प्लेक्सिटी होगी, जैसे कि ब्रीज डिलीवरी होगी, शोल्डर डिस्ट्रोशिया हो गया, और ऐसे जैसे कि कॉम्प्लेक्स मोस्टली आपने देखा है कि हॉस्पिटल में जाएं और वो सिजेरियन सी सेक्शन और वो नॉर्मल डिलीवरीज को तो आप बिल्कुल भी एक ये वो सिलेटर है जो आपका एक कॉम्प्लेक्सिटी जो भी ओबीजीवाईएन की फिल्म में आती है और उसको वो नॉर्मल की तरफ से नॉर्मल डिलीवरी पर करवा सकती है। इसका मैं आपको दिखाऊँ, इसका हम ये इसका बेबी है, हम इसको थ्रू जो सॉफ्टवेयर और वो सेम इसका भी पेशेंट मॉनिटर है और ये जो कंट्रोलिंग मॉनिटर दोनों होते थे वो हमें कॉम्प्लेक्सिटी दे देंगे, नहीं शोल्डर इशू दे दी या ब्रीज डिलीवरी दे दी, कोई और कॉम्प्लेक्सिटी दे दी या पी पी एच हमें करवाना हो तो वो उसके थ्रू ये स्टूडेंट उसकी अवेलेबल करवा देते हैं। मतलब मुख्तलिफ सिनेरियो, डिफरेंट सिनेरियो जो आप देंगे सर, जो भी आप देंगे उस तरीके से वो तो कहीं वाले को पता होगा जिसमें भी बात शक्ल है उसमें बिल्कुल छह सारे वाइट इसमें जो ट्रेनिंग है पर्पस पूरी करते हैं। आपकी इम्प्रूवमेंट्स और चेंजेस करनी चाहिए थी क्या, आप उसे मजीद बेहतर कर सकते थे, तो इस एरिया को हम डीप ब्रीफिंग करेंगे। ये सीबीडी के जो होगा केस बेस्ड डिस्कशन के लिए ठीक है, आप नीड्स होंगी जब बेबी बॉर्न होता है उसके बाद जो पीडियाट्रिक्स की हम वो याद कर सकते हैं बेबी के ऊपर, अगर पेशेंट का बेबी बॉर्न होता है वो या कोई लेके आते हैं वो कोलेप्स हो जाता है तो वो डीबी याद इनसे हो जाते हैं, या बेबी नॉर्मल अगर उसको कोई आंखों में वो जो ग्रेडियंस आ जाती है येलोनेस आ जाती है, पीडियाट्रिक केयर की जो भी सिनेरियोस हैं वो यहां पर हमें इसमें बेबी सिनेटोलॉजी तो बाद में लेजर और इस साइड की सारी एक्सरसाइज हम यहां पे कर सकते हैं। इसको एक डेमो ऑन कर दो, ये वही इसके जो नॉर्मल थ्रोट्स होते हैं और इस सिमुलेटर की सबसे जो बेहतर बात ये है इसको हैप्टिक टच देना होता है। हैप्टिक टच का मतलब फॉर एग्जांपल जैसे नॉर्मल आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो आपको फील आ रही होती है कि एक चीज़ को आप टच कर रहे हैं कुछ भी, तो ये बिल्कुल सेम आपको वो हैप्टिक टच प्रोवाइड करेंगे कि आप इंटरेक्ट कैसे कर रहे हैं, टेक्नाइज कैसे कर रहे हैं, वो सारी आपको एक रियल फील आ जाएगी। इसके साथ दो पेडल आते हैं सर जिसमें हम कोऑर्डिनेशन टेक्निक्स भी कर सकते हैं और अगर कोई आर्टरी को कट करना हो उसको आर्टरी को कट भी कर सकते हैं। डिसेक्शन प्लस कटिंग प्लस जी सर, अगर कटिंग करना हो तो ये पुल बैक करें सर, ये स्टार्ट हो गया अब जिस हिसाब से इसको हमें ऐसे पुल बैक करना है तो सर आप आ जाए तो आई भी आप ले प्रोस्कोपी में तो पैनल कैसे है नहीं नहीं एग्जिट करने के लिए वो सिनेरियो चलाओ ना बस आज ठीक ये बेसिक वार्म अप एक्सरसाइज है, मतलब टूल हैंडलिंग और ये चीज़ ये वाला सर बैक करना है, हमने कई स्किन टच कर दिए, ये जब रेड होता है तो इस तरह होता है ब्लड आ गया, ब्लड आ गया आपने कई गलत जगह वो की, ये फॉरसेप है क्लैंप करेंगे तो वो हैंड कर पकड़ेगा उसको सर, आपको फील आ रहा होगा कि आप किसी चीज को टच कर रहे हैं, ये जो प्रेशर आ रहा है इसको सर हैप्टिक टच हम लोग कहते हैं। चलिए ठीक है, इसके लिए पूरा दिन वीडियो गेम की तरह करेंगे। हां जी सर जी, कोई दिक्कत हां जी सर जी, तो बस हो गया वो सब मेरे सर जी ये तो सर देते हैं उसके लिए, इसमें ऑप्शन है हमारे एंडोस्कोपिक सर, रेट रेट का इसका ऑप्शन ये रेट इसके दिखा रहा है कि आप उसको गलत जगह पे टच करें, मतलब उसको हार्ट कर दें, तो जब आप किसी उसको हार्ट करें ये है कौन सी जगह, कौन सी सिनेरियो की जगह का सर, इन्होंने एक नॉर्मल एक लर्निंग के सिनेरियो ग्रेपिंग और ग्रेस्पिंग का सिनेरियो अच्छा है, कोई भी जगह का नाम नहीं है। चलिए ठीक है, वो इसमें फर्स्ट प्लेस कहां पे था, इसमें इसको एग्जिट कर स्ट्राइड और फिस यहां पीजी का बेसिक का यहां पे पोस्ट उनको दे सकते हैं कि वो आके यहां पे पर इसमें एक 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 पीजी बैठेगा हैंड्स लाइक कोऑर्डिनेशन के लिए बेसिक से लेके नीचे करते जाओ सारे सर, एपेंडो डॉक्टर विंग और ये लोग सारे नीचे करते जाओ, ये सारे आप फेस पे और इसका सिमुलेटर ये मान लिया कि कहां पे है नेरो नहीं सर, ये इसमें नीचे करेंगे जी जनरल से जी जनरल से
नीचे करते जाओ सारे, तो ये सारे स्किल्स हैं। तो हम यहाँ से लोग के सिनेरियोज बने हुए हैं ऑलरेडी सब, उनको आके सर हम यहाँ पे प्रैक्टिस करवाने के लिए दे सकते हैं। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि 5 दिन का या 6 दिन का कोई एक वर्कशॉप बना लें और सिनेरियोज ऑलरेडी हमारे पास बिल्ड पे, बस वो यहाँ पे आके प्रैक्टिस कर लेंगे। और जो लेना चाहते और कोर्स लेना चाहते भाई साहब बता के फेस फेस करता है, वो यहाँ पे ऑप्शन है फिस्क और टेम्पोरल वर्क जी शायद अभी ये तो ये भी बॉक्सर में ये ये नोज और टंग और ये नोज और टंग अच्छा ये न्यूरोसर्जरी जी के कुछ प्रोसीजर वो नोज के थ्रू दिए ये सर ये नोज और टंग ये सारे वो ये मैं कह रहा हूं कि अगर फिस्क की फैसिलिटी करो नहीं तो डालना पड़ेंगे, ऐसे नहीं होगा बाद में हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर। सर ऐसा ये है कि ये मजीद इसके सिनेरियोस अपडेट होते जाते हैं, वो हमने फिर परचेज करने होते हैं उन कंपनी के साथ। अभी वो बेसिक जो आई कैपिटलाइजेशन और आई के रिलेटेड जितने अभी ये करंटली पाकिस्तान पूरे में ये 2 सिमुलेटर हैं, एक तो आगा खान के पास है और दूसरा यहाँ पे है। ये मोस्ट डेलिकेट और बहुत डेलिकेट यूजर सिमुलेटर है, इसको बहुत टेक्निकल हमें चीज़ें चाहिए होती है। और सेम इसी में भी सारे केस बना रहे हैं, उसको भी हम सब केस बने हुए हैं, सिर्फ हमने पेजिस को पीजिस को लेके आना है। कोई इंस्ट्रक्टर हो ट्रेनर है यहाँ यूज कर सकते हैं ट्रेनर, तो यूज नहीं होगा आसान वाला पड़ेगा। एक बंदा था इंसर्ट करते जाएंगे वो उसके प्रॉप्स हैं जो कि नॉर्मल ऑप्टोमोलॉजी और इन सारे में यूज हो रहे थे, प्रॉप्स हम इसके आप इंसर्ट करें और बेल की यहाँ पे सारे पासवर्ड क्या था इसका एक परफॉर्मर बैठा कर रहा है और बाकी लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं कि वो क्या कर रहा है। बिल्कुल सर, इसको अगर ये कोई परफॉर्म कर रहा है ये पूरी रिकॉर्डिंग होगी और लाइव भी हम इसको डिस्प्ले कर सकते हैं। सेम सिमिलर सर, ये जो तीनों सिमिलर आप देखें इसमें जो उसमें तो स्क्रीन पे नजर आ रहा है, बाकी लोग भी बाकी भी देखें। नहीं सर ऐसे हम मजीद बड़ी स्क्रीन में हो सकता है। और सर अच्छी बात ये कि फॉर एग्जाम्पल आपने पीजी को दे दिए कोई स्किल्स करने के लिए, और आप उनको जज कैसे करेंगे? जज ऐसे करेंगे जो भी हम उसको यहाँ पे बिठा देंगे और वो खुद ही इन दी एंड अगर वो जो भी परफॉर्म कर लेगा एक रिपोर्ट जनरेट होगी, उस रिपोर्ट जनरेट में वो उसको बता देगा कि इसने कितने मार्क्स ले लिए। तो वो रिपोर्ट एक आप उसको ऑथेंटिक उसको ग्रेडिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं, पास और फेल, उसने कहाँ कहाँ गलती की, उसने कहाँ पे गलती। मुझे यूँ लग रहा है कि जो हम सारे सुपरवाइजर है सभी फेल होंगे। और वो जो रिजल्ट आ रहा था रखे ऊपर से जो सर जी सर्जन थे वो भी जब शुरू शुरू में बैठे थे तो वो सारे बड़ी मुश्किल हो रही थी।